एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है राजस्थान के कोटा शहर से, जहां ऑटो ड्राइवर से लूटपाट का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इस लूटपाट की वारदात को 4 से 5 महिलाओं ने अंजाम दिया है। आपको बता दें कि कोटा के एरोड्रम सर्कल के पास एक ऑटो चालक से 18,000 रुपये की लूट की वारदात हुई है। लूट की वारदात एरोड्रम सर्कल के पास फुटपाथ पर रहने वाली खानाबदोश महिलाओं ने की है। महिलाओं ने ऑटो चालक को अपने चंगुल में फंसाया और उसके बाद उससे 20,000 रुपये छीना झपटी कर लूट लिए। छीना झपटी के दौरान ऑटो चालक के हाथ में 2,000 रुपये रह गए। 18,000 रुपये लूट कर महिलाएं चंपत हो गई। ऑटो चालक जितेंद्र बैरागी सवारी छोड़कर एरोड्रम सर्कल के पास से निकल रहा था। इस दौरान सर्कल के पास पर फुटपाथ पर रहने वाली खानाबदोश महिलाओं ने ऑटो चालक को रोका और ऑटो में बैठ गई। महिलाओं ने पहले ऑटो चालक को एक मोबाइल कम कीमत पर देना चाहा। ऑटो चालक ने मोबाइल लेने से मना किया तो महिलाओं ने अश्लील इशारे किए। जैसे ही ऑटो चालक उनके चंगुल में फंस गया तो महिलाओं ने ऑटो चालक के साथ लूटपाट शुरू कर दी। पीड़ित ऑटो चालक जितेंद्र ने विज्ञान नगर थाने में शिकायत दर्ज कराया है। ऑटो चालक का कहना है कि वह व्यापारी के यहाँ मुनीम का काम भी करता था और रकम व्यापारी की थी। एक सवारी मिली तो उनको एयरड्रॉम छोड़ना था, जाना तो मुझे डीसी उधर तक अच्छी पोर्ट, लेकिन उनके चक्कर में वहाँ पे सवारी छोड़ के, सवारी जैसे छोड़ी उधर से एक साठ टन आई, लेकिन मुझे पता नहीं उस साठ टन थे अचानक ऑटो के पास आ गई। आने के बाद वो कह रही है कि वहाँ तक छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है बैठो। उन्होंने कहा नहीं 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 छोड़ना नहीं, मोबाइल ले लो आप तो कम पैसे में दे दूंगा। मैंने कहा कुछ नहीं लेना मुझे जाना है। इतने में से दूसरी तरफ से फिर दो साठन आई, वो वहीं खड़ी और उन्होंने मेरे को दबोच लिया इस साइड में, और जिसे उल्टी हाथ की साइड पर तो दूसरी थी, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद फिर उसके बाद मैंने ऑटो साइड में लगाया, ऑटो साइड में लगाने के बाद फिर उन्होंने पैसे भी छीन लिए मेरे, फिर मोबाइल तो वापस दे दिया और 2,000 रुपये वापस दे दिए हाथा जोड़ी करने के बाद। बाकी 18,000 प्लस उनके पास है, 20,700-800 के लमसम ऊपर थे। 20,000 जेडी से लिए थे काम के लिए, जो भी साइड पर काम होता है वहाँ पर, ये एरोड्रामसर के लिए, फिर 200 होटल के सामने की। तो चिल्ला छोड़नी के सर वहाँ जो उन्होंने जो फिर मेरे जो लूटने के बाद तुरंत वहाँ जो बस वाले भी खड़े थे पीछे कंडक्टर, जो उन्होंने कहा कितने की जेब कटी, मैंने कहा भाई साहब इतने करके यहाँ ऐसे होता है, वो होशियार रहना, बस इतना सा बोला उन्होंने। एक ऑटो वाला भी था, उन्होंने कहा भाई साहब मैं भी अकेला क्या कर सकता हूँ, यहाँ कोई नहीं बोलेगा, यहाँ कोई नहीं बोलता किसी के बीच में का, बस इतनी सी बात हो के मेरा टाइम हो गया, जब तुरंत साइड में निकल गया, फिर सेठ जी को बताया, फिर यहाँ से उधर फिर गुमानपुरा थाने में गया। गुमानपुरा वालों ने बोला कि यहाँ नहीं लगेगी रिपोर्ट, वहाँ लगेगी। मैं साइड पर जा रहा था ना, हाँ साइड पर सेठ जी से एक दिन पहले लिए थे, तो साइड पर जा रहा था। साइड पर जाने के बाद में दिन में मेरे को जो भी सामान खरीदना है, पंखे वगैरह कारीगरों के, ये केस चलते हैं ना डेली के डेली केस चलते हैं उनके, तो 10-20,000 रुपये मेरे पास रखते हैं वो हमेशा काम के लिए। जतीन जैन, ये पुष्प मसाले की शॉप है उनकी, ड्राई फ्रूट का भी काम है, और व्यापार संघ के उपाध्यक्ष भी हैं।